देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपके लिए हम कराने जा रहे हैं प्रश्न तीसरा अति लघु का, जो कि हमने दूसरे के आपके लिए 10 पार्ट करा दिए थे। यहाँ पर हम तीसरा प्रश्न आपके लिए ले रहे हैं। तो तीसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या है लिखा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो कि 6 से विभाज्य है। 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, 40 धन पूर्णांक, ठीक है। अगर 40 धन पूर्णांक की बात करें जो 6 से विभाज्य होंगे, तो पहला तो अगर हम बात करें प्रथम 40 तो 6 से विभाज्य होने का मतलब या तो पहला होगा 6, फिर दूसरा होगा यहाँ पर 12, ठीक है, फिर होगा आपके लिए 12 और इसी हिसाब से अगला जो 6 से कटेगा वो होगा आपके लिए 18, फिर यहाँ पर आपके लिए होगा 24, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा और डॉट डॉट करके इनको चला देंगे। और यहाँ पर आप देखिए ये 6 है तो A का मान हो गया 6 और D का मान निकालेंगे तो हो जाएगा T2 - T1, यानी 12 - 6 यानी 6। इसी हिसाब से यहाँ पर चलता जाएगा डिफरेंस, D का मान 6 आ गया है। और 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है, यानी S40 ज्ञात करना है, S40 ज्ञात करना है। तो 40/2, 2 × a, a का मतलब होता है यहाँ पर 6, प्लस n-1 यानी 40 - 1 इंटू डी, डी का मान है 6, तो ये हो जाएगा 20। तो यहाँ पर 20 हो गया और ये 6 × 12 और प्लस 40 में से एक चला जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपके लिए 39 और गुणे में 6। तो इस हिसाब से 20 12 प्लस 6 की गुणा करा देंगे, यहाँ पर 54 हो जाएगा, ये 5 और 6 × 3 = 18 और 5 = 23। तो इस हिसाब से 20 12 और ये जोड़ लेंगे 234, 12 6 4 2 246। तो 246 की गुणा कर देंगे यहाँ पर 20 से, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 × 12 = 2, यहाँ से लगा 1 2 8 1 9 और 4, यहाँ 0 कर देंगे, यानी ये 49 भी आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो यानी एस 40 40 पदों का योगफल जो होगा वो 49 भी होगा, ये हमारा आंसर हो चुका है। अब यहाँ पर आपके लिए प्रश्न नंबर 4 कराएंगे जो कि अति लघु प्रश्न खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न क्या है, संख्या 8 के पहले 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के संख्या 8 है हमारे पास, 8 के गुणज का योग, तो 8 के गुणज कौन कौन से होंगे, 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा और यहाँ पर 32 होगा, इस तरीके से डॉट डॉट चलता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए A का मान हो गया 8 और D का मान हो जाएगा 16 - 8 यानी 8, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर 8 ही आ गया इस तरीके से। तो योग ज्ञात करना है, 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है सबसे पहले, तो S15 ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 15/2, 2 × a का मान 8 प्लस n-1 यानी 15 - 1 इंटू डी, डी का मान है 8। तो 15/2, 2 × 8 = 16 प्लस 15 में से 1 = 14 गुणे डी का मान है 8। तो ये जाएगा 15/2, 16 प्लस यहाँ पर कर देंगे 8 से, 8 × 32 = 2 और 3, 8 × 1 = 3, 11। तो यह 15/2 हो जाएगा 112 और प्लस 16, 6 × 2 = 8, 1 × 1 = 2 और 1 = 128 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर आ गया 128। तो 15/2 गुणे 128 हो गया, 2 से काट देंगे इसके लिए, 2 × 12 और 2 × 8 ये कट गया, तो 15 × 64 आ गया है। 64 की गुणा 15 से कर देंगे यहाँ पर, 5 × 20 = 0 हासिल लगा 2, 5 × 30 और 2 = 32 क्रॉस 1 से 4, 1 × 6 = 6 तो यह प्लस कर देंगे 0 6 6 3 9, 960 आ जाएगा। अगर हम बात करें 8 गुणजों की तो S यहाँ पर 15 गुणज है, 15 S से 15 है, तो 15 गुणज का मान जो हो जाएगा वो 960 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके लिए
15 गुणजो का योग आ गया 960। इस तरीके से यहाँ पर अति लघु उत्तर प्रश्न खत्म होते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब इसके बाद आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में जो मिलेंगे वो आपके लिए लघु उत्तर प्रश्न मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। और करीब यहाँ पर लघु उत्तर के बाद दीर्घ उत्तर भी हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न चलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।